ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फहमीना इशफाक। आई हैव बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन इन जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच ब्लड टेस्ट और विच रूटीन इन्वेस्टिगेशंस मस्ट बी डन एनुअली। व्यूअर्स, इस टॉपिक का इंतखाब मैंने इस वजह से किया है क्योंकि पाकिस्तान में हमारी पॉपुलेशन यूजुअली अवेयर नहीं है कि कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस साल बाद या दो साल बाद होनी बेहद ज़रूरी है, इस्पेशली वो फैमिलीज़ जिनके अंदर कुछ सर्टन डिजीज़ रन कर रही होती हैं, जैसा कि हार्ट डिजीज़, स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, शुगर के अमराज हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ के अफराद को कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आम लोगों से बढ़कर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में करवानी चाहिए, ताकि डिज़ीज़ की पीरियोडिक स्क्रीनिंग, उसकी अक्रंस को हम रोक सकें। और अगर सपोज़ वो डिज़ीज़ रोनमा हो भी चुकी है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन की वजह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसलिए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया और आज मैं कुछ ऐसी ही रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बात करने लगी हूँ। सबसे पहले इन रूटीन इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र करने से पहले मैं कुछ एज लिमिट्स बताऊंगी। अगर आप 18 से 29 साल के दरमियान हैं तो आपको हर 5 सालों के बाद रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, जिनका मैं अभी वीडियो में आगे जाके जिक्र करूंगी। अगर आप 40 से 49 साल के दरमियान हैं तो आपको हर दूसरे या तीसरे साल इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप हर साल कुछ इम्पॉर्टेंट रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लाजमी करवाएं। ये रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई सर्टन हिस्ट्री है किसी स्पेसिफिक मेडिकल और सर्जिकल एलिमेंट की, तो वो फिर उसके मुताबिक उन रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस भी ऐड हो जाएंगी। नंबर एक में कंप्लीट ब्लड काउंट एंड मेटाबॉलिक प्रोफाइल आता है। CBC gives us a lot of information regarding multiple diseases, and metabolic profile includes liver function test, kidney function test, yani jigar ke functions, gurdo ke amraz, hepatitis ki screening, especially hepatitis B and hepatitis C. Iske alawa routine investigations mein lipid profile hai, jisme mukhtalif values ko dekha jata hai aur uske mutabik डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ मेडिसिन एंड अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड एक्सरसाइज स्ट्रेटजीज। लिपिड प्रोफाइल के अलावा शुगर का रिकॉर्ड लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, दीज आर ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जिनको आपकी एज लिमिट्स के मुताबिक हम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी एज लिमिट्स के मुताबिक मिनिमम क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आप स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन लाजमी करें, जिसके अंदर स्टूल ऑकल्ट ब्लड हैव ए वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस। उससे हमें बहुत सारी पेट की बीमारियों का अंदाज़ा वक्त से पहले हो सकता है और फिर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके बीमारी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये तो थी जस्ट फ्यू रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो कि हर इंडिविजुअल को लाजमी एटलीस्ट एनुअली करवानी चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ आपकी फैमिली में रन कर रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस इन एडिशन टू दीज रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आर इंडिकेटेड। एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी रिगार्डिंग दिस इशू रिगार्डिंग रूटीन इन्वेस्टिगेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकली।
through OlaDoc portal or oladoc.com. Thank you very much.